आप लोग आ गए तो गाइस यस दिस इज माय फर्स्ट इनकम गाइस, आप सभी देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट की मतलब जो मैंने बोला था कि ब्लॉग बनाने वाला हूँ और ब्लॉग के बाद रिएक्शन लेने वाला हूँ और मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताने वाला हूँ। गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलते गाइस बैंक पे, उठाते हैं मेरा फर्स्ट इनकम। यो गाइस, बैंक में आ गए हम, बट थोड़ा सा इशू हो गया है क्योंकि मेरा बैंक में ना बहुत दिनों से ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो बंद हो गया बैंक। ऐसे पैसे आ चुके हैं एंड लेट्स सी, अभी थोड़ा सा केवाईसी कराना पड़ेगा, उसके बाद आज ही उठा के जाएंगे, तो सारे काम आज ही करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जेरोक्स कराने आफ्टर 2 आवर्स। बहुत कुछ मतलब बैंक के अकाउंट में पूरा मतलब 18 साल हो गया ना मेरा, तो दैट्स वाई पूरा केवाईसी चेंज कराना पड़ा, उसके बाद जाके हुआ। एंड थैंक्स गॉड कि आज ही मैंने पैसे उठा पाए, वरना मैंने को सोचा था कि यार कि 2 हफ्ते फिर से रुकना पड़ेगा पैसे उठाने के लिए, बट थैंक गॉड हो चुका है। एंड गाइस अभी चार्ज भी नहीं है, मैं रोड में भी हूँ, तो मैं ना घर में जाके सब कुछ डिटेल्स बता दूँ और सबका रिएक्शन भी लेता हूँ, बाकी जो जो मैंने बोला है सब कुछ करने वाला हूँ, बस आप लोग बने रहो, ठीक है। सो गाइस हमारे साथ है मम्मी जी, तो मम्मी जी आपको कैसा लगा आपका बेटे का फर्स्ट पेमेंट आया है? बंगाली में बोल सकती हो? खूबी ভালো লেগেছে obviously, কারণ সব মাই চাই যে তার ছেলে মেয়ে সাকসেসফুল হোক, এটা তো আর মানে বলার মত না, মন তো এমনি খুবই খুশি। तो मतलब पहली बार जब आपने सुना कि हाँ मम्मी हो गया, मैंने जब आपको आपको ही सबसे पहले बताया मजाक से हट के, तो मतलब दिल से बताना कि क्या आप खुश हो सच में? खूब 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 खुशी, সব খুশি তো আর মুখে প্রকাশ করা যায় না, মা সব সময় খুশি হয় ছেলের সাকসেসে। আর আপনাকে কি লাগতে হয় পাপা জি খুশি হয়? অবশ্যই সচ মে প্রথম প্রথম হয়তো যে সম্পর্কে জানে না যে এটা ভবিষ্যৎ সে নিয়ে তো একটু রিঅ্যাকশন থাকে, কিন্তু যখন এই সাকসেস পাওয়া শুরু করে ছেলে মেয়ে তখন তো হয়তো মুখে কিছু বলে না কিন্তু মনে মনে খুবই খুশি হয় না ম্যাম, প্রকাশ তো বোঝা যায়। ম্যাম বাস ইয়ে পুছ রাও কি देखो, पहली बात मैंने बहुत तो कुछ नहीं कमाया है, बहुत छोटा सा कमाया है, तो क्या पापा जी खुश है या मतलब और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से? ये तो आशा तो शेष नहीं, बाबा मा का जो आशा तो होने की बड़े, किंतु है मन থেকে খুব খুশি যে না ছেলে নিজে কিছু করেছে, নিজে যে করার ইচ্ছা বা সেটা দি মন দিয়ে করছে, সেটা তো খুব খুশি বুঝা যাচ্ছে। চলো ফির ঠিক, আপ খুশ হো না? लेट्स गो गाइस, मम्मी जी का तो रिएक्शन ले लिया, बट अभी मैं डर रहा हूँ कि पापा जी का क्या रिएक्शन होने वाला है ये देख के, मतलब मैं तो बस डर रहा हूँ कि मेरे को डांट ना दे कि भाई तेरे को बस पैसे मिले तो इतना क्यों खुश हो रहा है, बस वही बात है डांट ना दे, लेट्स सी क्या होता है। पापा जी ये आपके लिए मेरी पहली इनकम, क्या क्या आप खुश हो? और कुछ कहना चाहते हो? क्या कहोगे? बंगाली में बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। की बोलबो, प्रत्येक बाबाई तार छेलेर प्रथम इनकामे सबसे खुश है, किंतु एटा तो खूब कम कम होलेओ खुशी जे प्रथम आमार छेले जा शतपथे इनकाम करेछे एटाते से एक टाका होलेओ आमि खुशी। गाइस एज यूजुअल मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट पेमेंट आई विल गिव टू माय फादर, अब पापा जी आप बोलिए कि आप क्या करने वाले इसका? আমার ঠাকুর আছে, ঠাকুরের কাছে ভক্ত সেবায় এই টাকাটা দেব, ঠাকুরকে দেব, যাতে ঠাকুরের প্রসাদ হয়, ভক্তরা সেই প্রসাদ গ্রহণ করে। ওকে ওকে चलो ठीक है, आपकी आप आपका वैसा है, आप जो करना चाहो कर सकते हो, मैंने बोला ही था, तो लेट्स गो। सो दैट्स इट गाइस, आज का दिन बहुत अच्छा गया, अच्छा तो नहीं बोलूंगा मतलब सेटिस्फाइड था, पेमेंट आ गया, मम्मी खुश हो गई, पापा खुश हो गए, अब बारी आती मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की कि क्या मैं खुश हूँ, हाउ वॉज माई रिएक्शन,
हाउ वॉज माई फीलिंग, हाउ इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ सवाल भी पैदा होते कि मैंने इतने जल्दी पेमेंट क्यों उठाया। सबसे बड़ी सवाल, मैंने कितना पेमेंट उठाया, मेरे को कितना मिला यूट्यूब से, एंड मैं इसका मतलब क्या करने वाला हूँ। जैसे आपको पता ही है, पापा ने, मैंने पापा ने दे दिया, मेरे पापा को सब कुछ दे दिया जो मैंने उठाया है, एंड पापा ने बोला है कि सेवा में लगा देंगे ये सब। सो वो होने वाला है आई थिंक नेक्स्ट पेमेंट के साथ। तो पापा ने अभी के लिए बोला है कि आप एक काम करो, इससे थोड़ा सा अमाउंट बस भगवान को दे दो, बाकी आप अपने काम के लिए और ताकि बेटर हो सके, क्योंकि कुछ ले लो पीसी के लिए। तो मैं वही बताने वाला हूँ क्या करने वाला हूँ उस पैक्सों के साथ, एंड सब कुछ सवाल का आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, पहला सवाल ये है कि मेरे को कैसे मिला मेरा फर्स्ट पेमेंट, वो भी मात्र 5000 सब्सक्राइबर्स में, ठीक है। इट्स ओनली जस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स, 5.5 राइट नाउ। तो बात ऐसी है कि अगर तुम एक स्ट्रीमर हो ना, तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते एडसेंस के अलावा भी, ठीक है। तो मैं तो वही बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। आप खुद अपना चैनल बनाओ, मोनेटाइज करो, आपको भी मिल जाएगा सारे डिटेल्स। तो ये बात है, एक स्ट्रीमर के लिए सिर्फ एडसेंस नहीं, उसके साथ भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जिनको पता है उनको पता है। कोई मतलब दो नंबर ही चीज नहीं है, लीगल है भाई, ठीक है। तो दैट्स वाई उधर से आ जाते हैं मेरे को अच्छे खासे, मतलब कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं कि डेली आते, जैसे एडसेंस का तो डेली आता है, बट उसका कभी कभी आता है, ठीक है। एंड बाकी मैंने इतने जल्दी पैसे क्यों उठाए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने क्यू एन ए वीडियो में आई थिंक सो बताया था कि पापा ने मेरे को एक सर्टेन टाइम दिया था, इस टाइम के अंदर मेरे को एटलीस्ट मेरा फर्स्ट पेमेंट उठा के पापा को दिखाना था, इट्स काइंड ऑफ ए प्रूफ करना था कि हाँ यूट्यूब से भी पैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने इतनी जल्दी उठा लिया। एंड बाकी मैं इससे क्या करने वाला हूँ अभी ये भी बताने वाला हूँ कि मैं मेरे, आपको पता ही है कि हमारे इधर कर इलेक्ट्रिसिटी कितना जाता है। आप लोग अगर मेरे डेली व्यूअर्स हो ऑन माय स्ट्रीम, आप लोग मेरा स्ट्रीम अगर डेली देखते हो तो आपको पता ही है कि हमारे इधर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई मेरा, और मेरे पास ना यूपीएस भी नहीं है अभी, इन्वर्टर अगर मैं लगाने जाऊँ तो बहुत महंगा पड़ेगा, और पापा का भी अभी उतना समझ रहे हो ना, उतना नहीं चल रहा है कि एकदम मैं बोलूँ और इन्वर्टर ला के दे। सो दैट्स वाई मेरे को अभी यूपीएस लेना है उस पैसों से, तो मैं यूपीएस लेने वाला हूँ। ये भी एक रीज़न है मैं इतने जल्दी पैसा क्यों उठाया, मतलब इतने जल्दी मैंने मेरा फर्स्ट पेमेंट क्यों उठाया। एंड अब बचता है कि अब द लास्ट क्वेश्चन यही है जो सब जानना चाहते हो इस वीडियो के देख रहे हो, कि कितना मैंने पैसे उठाए एज माई फर्स्ट पेमेंट, ठीक है। मैंने कितने पैसे बनाए इस मेरे दो साल की जर्नी में, क्योंकि मैंने 2021 में स्टार्ट किया था, दी तीन हो गए 2021, 22, 23, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे चीज़ें मैंने ट्राई करी। मैंने अपने सर से मार भी खाया था, मेरे को याद है, मेरे केमिस्ट्री टीचर से मैं मार भी खाया था वीडियो बनाने के लिए, बट ये कुछ अलग था, अब वो कुछ अलग था, ठीक है। वो मैंने जानबूझ के किया था, वो अलग बात है। सो इस तीन साल में मेरे को कितने पैसे यूट्यूब से बनाए, ये भी यही मतलब बड़ी बात है, यही बड़ा सवाल है। बट देखो गाइस, पहले ही बता दूं, औकात के अनुसार सोचना, ठीक है, औकात के अनुसार सोचना। मेरे चैनल पे बस 5.5K सब्स है, 5500 सब्सक्राइबर्स है मेरे चैनल पे बस, ओके। और मेरे हर वीडियोज में 10-15 हजार के व्यूज भी नहीं आते, ठीक है। तो मेरा अभी जो मैंने उठाया है इस बार, मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, बट आपको ना समझ जाओगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। हमारे इधर चाकदा में 100 रुपीस प्लेट बिरयानी बहुत टेस्टी है, ठीक है। आप कभी चाकदा होगे ना, देवा का बिरयानी ज़रूर खाना, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ मेरे को बहुत पसंद है। सो अगर हमारे घर में हमारे मेहमान आए और मेहमान 50 से ज़्यादा आए, ठीक है, बट 100 से कम आए, देन मैं शायद से उन सभी को बिरयानी खिला पाऊँगा, ठीक है। सो अब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही बात है, और रही बात कि मैं अपकमिंग क्या करने वाला हूँ, एंड क्या मैं यहीं पर स्टॉप कर देने वाला यूट्यूब, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेरे को और करना है, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में, मेरे खुद के खानदान में, मेरे पापा के खानदान में, मेरे मम्मी के खानदान में, अभी तक कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
नहीं बनने चाहते तो बहुत है, बट अभी तक किसी ने, आई थिंक मैं ही पहला हूं जो यूट्यूब से ऑनलाइन से कुछ पेमेंट उठा पाया है, ठीक है। बाकी ये मेरा सपना था कि यूट्यूब से कुछ करना है, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, एंड मैंने कमाए हैं यूट्यूब से पैसे। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम लिटरली थैंक्स टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, ठीक है, ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। आई नो ये वीडियो बहुत ऐसे भी बंदे देख रहे हैं जो कोई मेरे चैनल पे आए भी नहीं है, फिर भी ये वीडियो देखने आ गए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं उनके उनके लिए भाई दिल से प्यार है, जो मेरे को डेली रोज देखते हैं, हाय मैकिदा कैसे हो, हेलो कैसे हो, क्या खाया आज, आज उदास क्यों, आज इतने हैप्पी क्यों हो, जो मेरे हर दिन मेरे साथ जो रहते हैं, दिल से लव यू भाई, सपोर्ट करते रहना। अभी बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। चलो फिर, और इस चैनल पे भाई जो जो बंदे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, और लाइक मार देना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।